बच्चों, वेलकम टू सीयूईटी पेपर्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आज के इस सेशन में आपके जो सारे डाउट्स हैं स्कोर को लेकर के, वो सब क्लियर हो जाएंगे। सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, कौन से मार्क्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डोमेन सब्जेक्ट के मार्क्स इम्पॉर्टेंट हैं या नॉन डोमेन सब्जेक्ट के मार्क्स इम्पॉर्टेंट हैं, किसी बच्चे के नंबर्स में टाई हो जाएगा तब क्या सिचुएशन होगी, अगर किसी बच्चे के ट्वेल्थ के परसेंटेज अलग हैं और आपके परसेंट अलग हैं तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी, ऐसी सारी चीज़ों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनना है। देखो, सबसे पहली चीज़, आधा अधूरा नहीं सुनना है, फिर आप लोगों की अलग अलग और क्वेरीज निकल आती है। इसलिए ध्यान से सुनो सारी चीज़ें और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी लोगों को इसमें देने वाली हूँ, ठीक है? और कितना स्कोर करें इस साल के लिए, तो सबसे पहली और बहुत बड़ी क्वेरी तो यही है कि मैम कितना स्कोर करें। देखो, मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ बच्चों कि पिछले साल की सिचुएशन अलग थी, इस साल की सिचुएशन अलग है। पिछले साल तो जिन बच्चों को 100 से भी कम नंबर आए, समझ रहे हो बात को, है ना, 100 से भी कम नंबर आए हैं, जिनके 100 से भी कम नंबर है उनको भी हाथ जोड़ जोड़ करके कि भाई चलो एडमिशन ले लो, ये बात हो गई है ना, ऐसा हुआ है, घर से पकड़ के ले गए उन लोगों को। बट इस बार अलग सिचुएशन है ना, इस बार पता है ना, वही 6100 सीट है और बता रहे हैं कि 50,000, कन्फर्म डाटा नहीं है पर हाँ 30 तक तो भरा ही होगा लोगों ने फॉर्म, 30,000 लोगों ने, ये तो मान के चलते हैं, 50,000 तक की खबर मिल रही है कि 50,000 तक के बच्चों ने फॉर्म भरा है 6100 सीट के लिए। तो अब जान रहे हो ना, इस बार कंपटीशन टफ है। पिछली बार क्या 6,000 कुछ लोग एग्जाम में बैठे थे, 4,000 सीट थी, उसमें भी एग्जाम इतना लेट हो गया था, रिजल्ट इतना लेट आया था कि बहुत सारे बच्चों ने कहीं और एडमिशन ले लिए थे, उम्मीद ही छोड़ दी थी कि पता नहीं क्या ही होगा इस एग्जाम का, ठीक है। बट इस बार तो ऐसा नहीं है, इस बार तो सब बढ़िया प्रॉपरली चल रहा है, ठीक। तो कंपटीशन तो है, पिछली बार का स्कोर कट ऑफ इस बार कोई मायने नहीं रखाएगा। अब मैं आप सभी लोगों को शुरुआत से कह रही हूँ कि इस बार 400 पार, तो वो भी बात नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। फिर मैं डोमेन नॉट आगे बढ़ने से पहले बच्चों आप सभी लोगों को बता देती हूँ, काउंसलिंग के टाइम के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, तो उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उस ग्रुप से जरूर जुड़े ताकि हम एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। कौन से कॉलेज में, कौन से इंस्टीट्यूट में काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, ये इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाएंगे। पिछले साल भी इस तरह से हमने काफ़ी बच्चों की एक दूसरे की मिल करके हेल्प की है। साथ ही अगर एनसीटी की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, और स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन करना चाहते हो तो नीचे कुछ कोर्सेज की लिंक दी हुई है जो कंप्लीट एनसीटी प्रिपरेशन करवाती है, वो भी जा करके ज़रूर चेक करना। डोमेन पर तो आऊँगी बेटा, 400 के ऊपर नंबर लाओ, नंबर लाओ और फिर कुछ बात बनेगी, तब कंडीशन बनती है कि हाँ बात भी हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 400 ले आए तो एडमिशन मिल ही जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात यह है कि 400 से ऊपर लेकर के आओगे फिर कहीं चांस बनेगा, चांस बनेगा, 400 के नीचे चांस नहीं है, मेरा ये कहने का मतलब, ठीक है ना। अब जब मैं ये कहती हूँ कि 400 नंबर लेकर के आओ, तो आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, मैम डोमेन सब्जेक्ट में कितने नंबर होने चाहिए, नॉन डोमेन में कितने होने चाहिए। तो सबसे पहले तो जो लोग नहीं समझ पा रहे इस बात को, डोमेन सब्जेक्ट मतलब कि बेटा अपनी स्ट्रीम के सब्जेक्ट है ना, और नॉन डोमेन मतलब कि यही आपका हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश और टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट, ठीक है। ये चार सब्जेक्ट आपके नॉन डोमेन में है, बाकी आपका बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जो भी आपके मेन सब्जेक्ट थे वो हो जाएंगे, ये आपके डोमेन सब्जेक्ट हो जाएंगे। अब आप ये पूछ रहे हो कि मैम डोमेन सब्जेक्ट के नंबर लाना तो ज़रूरी है या फिर नॉन डोमेन से भी काम चल जाएगा। अब देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात, यहाँ पर NCET एग्ज़ाम जो है, ठीक है, इसमें आपके क्या देखे जाते हैं, ओवरऑल स्कोर जो है उसी बेसिस पर एडमिशन होगा,
क्लियर है, ओवरऑल स्कोर के बेसिस पर ही एडमिशन होगा। अब आपके डोमेन सब्जेक्ट में अगर कम नंबर है और नॉन डोमेन में ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। जो ओवरऑल स्कोर है वो बाकी बच्चों से ज्यादा आना चाहिए। ऐसा भी हुआ है कि पिछली बार जीटी में लोगों को 0-0 नंबर थे, ठीक है, पर दूसरे पेपर में तो उनके नंबर आए और हो सकता है किसी से ज्यादा आए हैं तो फिर उन्हें मिले एडमिशन, ठीक है। तो ओवरऑल स्कोर देखा जाएगा। तो अब आपके मन में ये बात आनी चाहिए कि मैम फिर हमें तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। अब देखो तैयारी किस तरह से करनी चाहिए वो बता रही हूँ, तो ये भी सुन लो साथ में कि ये हर एक पर्सन पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? पर्सन पे। अब देखो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मुझे मैसेज करते हैं कि मैम हमारा ड्रॉप हो गया, हम भूल चुके हैं हमने जो पुराना अपने डोमेन सब्जेक्ट में पढ़ा, ठीक है। तो किसी के डोमेन सब्जेक्ट कमजोर है ना, किसी के डोमेन सब्जेक्ट कमजोर है तो आप नॉन डोमेन पर मेहनत कर लो, ठीक है। और अगर डोमेन सब्जेक्ट बढ़िया है पर डोमेन सब्जेक्ट आपको सिर्फ 300 मार्क्स का स्कोप दे रहे हैं, और यहां कितने हैं? 340 मार्क्स। ये कितने मार्क्स का है? 340 मार्क्स का, 40 नंबर इसमें ज्यादा है जो कि एक बड़ा अमाउंट है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो दोनों के ओवरऑल स्कोर देखे जाएंगे, ओवरऑल स्कोर। अब बात करती हूं मैं यहां पर कि मान लेते हैं कि दो बच्चों के ओवरऑल स्कोर सेम आ गए, क्या हो गया? सेम आ गए। इतना तो क्लियर है कि डोमेन सब्जेक्ट पर अगर पकड़ कम है, गैप हो गया है, ठीक है, थोड़ा बहुत डोमेन पढ़ लो, नॉन डोमेन पर ज्यादा मेहनत दे दो, ठीक है, क्योंकि नॉन डोमेन में तो फिक्स्ड ही है ना कि क्या क्या आना है, ठीक है। अब अच्छा हाँ एक चीज और, जो लोग नॉन डोमेन की प्रिपरेशन को लेकर के परेशान है, तो बच्चों देखो ये एक कोर्स डिजाइन किया है मैंने, यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड से लेकर के जनरल टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों कोड के मैं यहाँ पर कवर कर रही हूँ। अगर लग रहा है कि बहुत कंफ्यूज्ड है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कितने लेक्चर्स हैं मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, 22 आवर, 25 आवर्स, 25 25, इस इतने आवर्स के हैं। तो चाहो तो आप इसे जल्द से जल्द कवर कर सकते हो, क्योंकि आधे से ज़्यादा हमारा ये जो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपको सिर्फ 4 से 5 घंटे रोज निकालने हैं और आपका ये सिलेबस कवर हो जाएगा। प्राइस वगैरह सब मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखो कि अपनी क्या कंडीशन है, डोमेन कैसा जा रहा है, डोमेन पर अगर अपने भरोसा नहीं है तो फिर नॉन डोमेन की तरफ जाओ, नॉन डोमेन में दिक्कत आ रही है तो फिर मुझसे जुड़ सकते हो इस कोर्स के थ्रू, या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड का एक 30 आवर्स का लाइव कोर्स भी मैंने डाल रखा है, उसमें अब डिस्कशन चल रहा है, सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन सब वहां होंगे, बाकी के प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स उसमें सारे मिल जाएंगे जो लाइव हुए थे, ठीक है। तो इसको देख लेना। अब पहले मैं बात करती हूँ कि भाई मान लेते हैं कि हमारे पास एक बच्चा है जो कि है, क्या क्या नाम रख दें, कमल रख देते हैं, आजकल हिंदी पढ़ रहे हैं हम लोग, यही सब चल रहा है, कमल है ना, और इधर है सरोज, कमल और सरोज, ये एक लड़का है और एक लड़की है, हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाने वाले लोग हैं तो जेंडर इक्वेलिटी हमें रखनी पड़ती है अपनी क्लास में। तो कमल लड़का है, सरोज लड़की है ना। बात कर लेते हैं कि दोनों के ही स्कोर, दोनों ने ही जो स्कोर लेकर के आए वो ले आए हैं 505। दोनों क्या लेकर के आ गए? 505। कम कैसे हो गया भाई इधर, ठीक है, 505 लेकर के आए, ठीक है। अब यहां पर आप देखो कि कॉलेज वाले भी कंफ्यूजन में, दोनों के स्कोर सेम है, आप क्या करें? तो बच्चों ऐसी कंडीशन में क्या, और दोनों ही सेम स्ट्रीम के हैं, दोनों को ही बीए करना है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, डोमेन सब्जेक्ट्स के मार्क्स देखेंगे जब टाई हो जाएगा। जब टाई हो गया तब वो क्या देखेंगे, डोमेन सब्जेक्ट के मार्क्स देखेंगे, ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट के मार्क्स देखेंगे। और वो डिसाइड करते हैं कि चलो भाई ये सब लोग हिस्ट्री इकोनॉमिक्स वाले थे तो हम हिस्ट्री के मार्क्स कंपेयर करेंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि
कि हम हिस्ट्री के मार्क्स कंपेयर करेंगे, जिसके हिस्ट्री के मार्क्स ज्यादा होंगे उसको एडमिशन मिल जाएगा। तो मान लेते हैं कि कमल के हिस्ट्री के मार्क्स ज्यादा थे तो कमल को एडमिशन मिल जाएगा। ठीक, अब एक और पैच डाल देते हैं हम कि दोनों के हिस्ट्री के मार्क्स भी सेम थे, हिस्ट्री के मार्क्स सेम थे, तो फिर क्या होगा? फिर बच्चों ये देखा जाएगा कि ट्वेल्थ के मार्क्स किसके ज्यादा है, ट्वेल्थ के मार्क्स किसके ज्यादा है, जिसके ट्वेल्थ में मार्क्स ज्यादा होंगे उसको एडमिशन मिल जाएगा। फिर एक पेज डाल दें, आप बोलो कि ट्वेल्थ में भी सेम हो गए, बड़ी गड़बड़ हो गई ये। तो फिर बच्चों देखी जाएगी एज, फिर क्या देखी जाएगी? एज, जो एज में कम होगा उसे एडमिशन मिलेगा। अब ये मेरी बनाई हुई कहानी नहीं है, ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। ठीक है, बस हाँ ये नहीं दिया होता कि कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स वो कंपेयर करेंगे। ये देखो, अब जो अपने आईआईटी वगैरह है उन्होंने तो क्लियरली लिख रखा है कि अगर दो बच्चों की मार्क्स सेम आते हैं तो टाई ब्रेकर जो है हमारे यहाँ फिजिक्स रहेगा, किसी ने लिख रखा है हमारे यहाँ केमिस्ट्री रहेगा। ठीक है, तो ये मेरी बनाई हुई कहानी नहीं है, मैं सिर्फ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों तक पहुंचा रही हूँ। ठीक है, तो क्या समझे बात को कि अगर स्कोर, ओवरऑल स्कोर दोनों का मिला करके ओवरऑल स्कोर फर्स्ट नंबर पर रहेगा, सेकंड नंबर पर क्या रहेगा? डोमेन से कंपेयर होगा, डोमेन से कंपेयर होगा, डोमेन भी सेम निकला तो फिर ट्वेल्थ से कंपेयर होगा, ट्वेल्थ भी सेम निकल गया तो फिर एज से कंपेयर होगा, और इसको देखने के बाद फिर आपको एडमिशन मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, और बात करें कि कितना तक स्कोर ले आए, तो मैं बार बार कह रही हूं कि 400 के नीचे कोई उम्मीद मत रखना, 400 के नीचे कोई उम्मीद नहीं है, 400 से ऊपर जितना ले आओ, जितना ऊपर ले जाओ उतना बढ़िया है। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से पूरी जानकारी थी कि किस किस तरह से एडमिशन मिलेगा आपके स्कोर्स को देख करके। तो इसी हिसाब से प्रिपेयर करो, अपनी स्ट्रेटजी ऐसे ही बनाओ कि अब आपको सब पता है कि आपके कौन से सब्जेक्ट अच्छे हैं और कौन से सब्जेक्ट कमजोर हैं, कमजोर पे ध्यान दो। ठीक है, अगर अच्छे हैं, जो बहुत अच्छे हैं तो उनको ठीक है, उनकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहो, जो छूटे हुए हैं, जो कमजोर हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान दो। अभी बहुत समय बाकी, ऐसा नहीं है कि समय नहीं बचा है, अभी बहुत समय बाकी है। लोग इतने दिनों में आईएएस की तैयारी कर लेते हैं और प्रीलिम्स तो निकाल ही लेते हैं, ये तो बहुत छोटी एग्जाम है। ठीक है, और सारी चीजें आप पढ़ते ही आ रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, सब कुछ स्कूल में पढ़ा हुआ है, और गैप भी हुआ होगा तो कितना गैप हुआ होगा, 6-7 साल का गैप वाला तो कोई दे नहीं रहा है ये एग्जाम, 1-2 साल का गैप हुआ होगा। ठीक है, उसमें भी कुछ पढ़ ही रहे होंगे, राइट? तो ध्यान में रखो इन सारी चीजों को, और फिर जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।